और चलिए बात कर लेते हैं नेपा नगर की, जहां साग फाटा रेलवे की पटरियों पर मिले डेटोनेटर मामले में सेंट्रल रेलवे भूसावल रेल मंडल का बयान आया है। मंडल की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला का कहना है कि इन डेटोनेटर का उपयोग तो केवल रेलवे के रेगुलर काम में होता है, धुंध कोहरा या फिर आपातकालीन परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल होता है। हालांकि सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास इस डेटोनेटर को लगाने का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा इस मामले में आरपीएफ की टीम गहनता से जांच कर रही है कि ये डेटोनेटर यहां पर किसने लगाए। आपको दरअसल बता दें कि नेपा नगर में आर्मी की ट्रेन को उड़ाने की साजिश सामने आई थी, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई थी। नेपा नगर में पटरियों पर करीब 10 डेटोनेटर लगाए गए थे और ऐसा माना जा रहा था 18 सितंबर की घटना, जब आर्मी के ट्रेन को ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब जांच की गई तब पाया गया कि ये डेटोनेटर सिर्फ धुएं के लिए हैं और इसका इस्तेमाल ब्लास्ट में नहीं हो सकता है। इनका उपयोग क्योंकि रेलवे के रेगुलर काम में होता है, ये बड़ा बयान आया है। लेकिन ट्रेन की पटरियों पर डेटोनेटर आखिरकार किसने लगाए थे, ये जांच का विषय है। मध्य रेलवे पे भुसावल मंडल में नेपालनगर से लेके खंडवा के बीच स्थित सागफाटा स्टेशन के पास में कुछ डिटोनेटर्स ट्रैक पे लगाने का मामला 18 तारीख को घटित हुआ है। इस घटना में जो डिटोनेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये रेलवे के द्वारा रेगुलर काम में इस्तेमाल किए जाने वाले डिटोनेटर्स है। इन्हें पटाखे बोला जाता है और जब ये फटते हैं तब इसकी बहुत तेज आवाज होती है, जिसके चलते चालक को आगे हुए हुए ऑब्स्ट्रक्शन या धुंध और कोहरे के समय में किसी सिग्नल की जानकारी मिलती है।